आप सबको हमारा नमस्कार। और जैसा कि आपने अभी सुना और देखा, ये जैक डॉर्सी हैं, ट्विटर के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मर सीईओ। ही वॉज द सीईओ ऑफ ट्विटर व्हेन द फार्मर एजिटेशन वॉज हैपनिंग। और उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार ने उनसे कहा अगर किसानों को दिखाया तो ट्विटर के दफ्तरों पर और उनके कर्मचारियों के घर पे छापा पड़ेगा और भारत में ट्विटर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सच की भी एक खासियत होती है, और सच की खासियत यह है कि जितनी शिद्दत से उसको दबाया जाता है उतनी तेजी से वो बाहर आता है। और एक बार फिर मोदी सरकार के काले कारनामे उनसे सच बाहर आ चुका है। कॉन्फ्रेंस का डेमोक्रेसी में लगातार कैसे किया है, उसी को उजागर करने का, उसी सच को बताने का है। सोचिए कि जब तीन काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था, जब एक साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर गर्मी बरसाते हुए इस सरकार के खिलाफ रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था, साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई, और चुनावी नफा नुकसान देखते हुए तीन काले कृषि कानून वापस लिए। लेकिन यह सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको याद दिला दूं, यह मई 2021 की बात है, किसान आंदोलन चल रहा था, अपनी चरम सीमा पर था, और तब बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, जो कि सही नाम है बीजेपी की आईटी सेल का, उनके कुछ बददिमाग प्रवक्ताओं और सांसदों ने एक मनगढ़ंत फर्जी ट्वीट किया था कोई तथाकथित टूलकिट को लेकर। उनका कहना था कि कांग्रेस इस टूलकिट का इस्तेमाल कर रही है, और आपको याद होना चाहिए कि उसको मैनिपुलेटेड मीडिया, मतलब भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था।